काली लीनेक्स, काली लीनेक्स, काली वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल आज के वीडियो में जानने वाले काली आखिर है क्या काली लिनक्स बहुत बार ही आपने नाम सुना होगा अगर आप एक बिगिनर हो अगर आपने जैसे कभी भी ऐसे इंटरनेट पर सर्च किया होगा आ, हैकिंग आ, क्रैकिंग साइबर सिक्योरिटी वगैरह 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 तो आपको एक नाम सुनने को बहुत ही अधिक मात्रा में मिला होगा क्या है वो काली लिनैक्स तो यार क्या है ये काली लिनक्स और इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में ठीक है तो ये वीडियो मैं बिगनर को मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूँ ठीक है तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा ये इस पर नहीं करूँगा कि एक्चुअली लिनक्स क्या है मैं लिनक्स के बारे में बताऊँगा ऐसी बात नहीं है मैं लिनक्स के बारे में नहीं बताऊँगा लेकिन मैं एकदम डीपली चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये आ, मतलब काले लिनक्स जो है मतलब अधिकतर लोग बिगनर ही सुन लेते हैं पहले ही कि यार जैसे अभी मान लो मेरे को मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बनना मैं को एडमिशन लिया बी सी ए किसी भी कोर्स में ठीक है एनरोल हुआ मैंने एथिकल हैकिंग के बारे में अभी हाल में सुना तो उसके बाद ही मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वहाँ पे बताया जाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स उसका नाम है काली लिनक्स उसके थ्रू उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम हैकिंग कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपने ये आपको तो डायरेक्ट अभी कुछ आपके आपको पता ही नहीं रहता है उस टाइम कि यार लिनक्स क्या होता है और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मान लीजिए आपको पता भी रहता है लेकिन आपको पता नहीं रहता है लिनक्स क्या होता है उसका फाइल सिस्टम क्या होता है कैसे वर्क करता है और मतलब लिनक्स कर्नल क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता भी होता है कई लोग को नहीं भी पता होता है तो, तो मैं उसमें डीपली अगर चर्चा करूंगा ना तो आप जैसे होते तो हैं माइंड से वो आउट हो जाएगा ठीक है अगर लिनक्स पे अगर आपको चर्चा करना है मतलब लिनक्स के बारे में अगर डीपली जानना है तो मैं अगले वीडियो में लिनक्स के बारे में बता दूंगा अगर आपने रिक्वेस्ट करा तो लेकिन फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक है कि काली लिनक्स क्या होता है भैया तो काली लिनक्स के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे जिसके जिसके बाद ना आपको ये कन्फ्यूजन हट जाएगा यार काली लिनक्स होता है क्या है ठीक है तो साफ सीधी बात सारी बातों को साइड में रखते हुए मुद्दे पर आते हैं काली नक्स क्या है ठीक है तो काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या जैसा कि आप विंडोज़ चलाते हैं विंडोज सेवन विंडोज़ एट विंडोज़ टेन विंडोज़ इलेवन जो भी विंडोज़ है एक्सपी वगैरह वगैरह ठीक है, बगेर है। जो भी आप विंडोज़ चला मतलब चलाते हो एंड्रॉयड भी आपका जो है एंड्रॉयड आप फ़ोन चलाते हो जिसमें अभी अपना शायद मेरा वीडियो आप उसी में देख रहे हो ठीक है तो उस वो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है आप आईफोन चलाते हो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आई ओ का आप मैक चलाते हो मतलब एप्पल का लैपटॉप चलाते हो उसमें मैक का ओ आता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं गाइस ठीक है तो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स ठीक है लिनक्स की फैमिली से बिलोंग करता है कालीस है जो लिनक्स पे बेस्ड है आपको लाइफ में लिनक्स दिख रहा होगा ना तो काली काली मतलब उसका मतलब एक उपनाम है और लिनक्स तो लिनक्स फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका नाम रख दिया है काली लिनक्स ठीक है आपने ओबंतु वगैरह का भी नाम सुना होगा तो वो भी लिनक्स के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इनको जैसे उबंतु हुआ मैंजारो हुआ आर्स लिनक्स हुआ काली लिनक्स हुआ पैरट सिक्योरिटी ओ हुआ बहुत सारी लिनक्स इसको कहते हैं लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भाग ठीक है तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में तो आपको आइडिया ज़्यादा आएगा और आप रिलेट कर पाओगे कि लिनक्स काली लिनक्स क्या है ठीक है जैसा कि आपको आप जानते होंगे नहीं जानते हो तो सुन लो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है अब ये पूर्णता सत्य नहीं है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है लिनक्स एक कर्नल है लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर लिनक्स के बारे में हम अगर हम स्टार्ट करेंगे बात करना तब अभी के लिए मानो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक और लिनक्स एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है जिसकी वजह से आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते हो कि यार मैंजारो हो गया काली लिनक्स उबंतू लिनक्स मेन पैरट सिक्योरिटी ओएस बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते हो क्यों सुनते हो क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक्वायर करके कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है अपनी कंपनी का ओएस लॉन्च कर सकता है जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में आप रहते हो तो इंडिया का दो बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एक बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है एक गरुड़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है गरुड़ लिनक्स जो इस टाइम मतलब टॉप पे चलता है टॉप टेन टॉप ट्वेंटी पे चलता है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है उसका रिव्यू मैंने डाल रखा है उसको आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना गरुड़ लिनक्स काफी अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका डिजाइन काफी बेहतर बनाया गया है ठीक है तो ये सारी बातें तो लिनक्स के बारे में भी हो गई ठीक है तो एक्चुअली मतलब ये काली लिनक्स क्या है ठीक है तो जैसा कि सारे लिनक्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही आपका काली क्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें खास क्या है ये हैकर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं और मतलब इसका मोटो क्या है कि मतलब जितने भी होते हैं वो हैकरिन को रिकमेंड करते हैं और पैरट सिक्योरिटी ओएस को भी कई लोग रिकमेंड करते हैं क्या चीज है आखिर आखिर आप तो मान लो अगर आप बोलोगे लिनक्स यूज करते हैं तो Ubuntu भी यूज कर सकते हो लिनक्स मिंट भी यूज कर सकते हो तो ये भी लिनक्स के ही फैमिली से तो बिलोंग करते हैं तो हम काली लिनक्स ही क्यों इस्तेमाल करें मुद्दा ये बनता है ठीक है तो ये बात है कि ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे लिनक्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन क्या है काली काली लिनक्स लिनक्स में में खास? में प्री हैकिंग के बहुत सारे टूल्स आपको आपको मिल जाते हैं। हैं। इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। बहुत स्क्रिप्ट पहले से लिख दिए रहते हैं जो आपको बाद में लिखने ना पड़े खुद से लिखने ना पड़े क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया एथिकल लिए डिजाइन किया गया है तो इसमें आपको लगभग सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं एक जगह एक बंडल सूट बना के रख दिया जाता है जिससे आपके वर्क में काफ़ी हेल्प मिलता है आप एथिकल हैकिंग कर सकते हो आसानी से आपको कोई से भी थर्ड पार्टी टूल्स को मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके कंप्यूटर में सारे के सारे टूल एक जगह मिल जाएंगे और कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ऐसे यहाँ पे सेक्शन मिलेगा यहाँ पे आपको कई सारे टूल मिल जाएंगे ब्रूट फोर्स अटैक का आ, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बहुत सारे कैटेगरी वाइज टूल्स डिवाइड कर दिए गए हैं जिससे आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी और आप ईजिली एथिकल हैकिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो यही चीज

इसलिए आपको कालीनेक्स रिकमेंड किया जाता है पायर सिक्योरिटी ओएस भी रिकमेंड किया जाता है आर्सलैन भी एक, मतलब रिकमेंड किया जाता है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाते हैं काली लिन ज़्यादा यूज किया जाता है ये आ, मतलब हैकरस का फेवरेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है इसमें सारे ऑप्टिमाइजेशन करके बहुत अच्छे तरीके से सा सारे एप्स को कैटेगरी वाइज करके आ, कर मतलब रख दिया गया है और मेन मेन टूल को मतलब बहुत सारे टूल को बहुत ही सारे टूल को इसमें प्री इंस्टॉल करके रख दिया गया है बहुत सारे स्क्रिप्ट को खुद मैनुअली लिख के भी रख दिया गया है इसलिए काली लिनक्स बेहतर होता है हैकिंग के लिए ठीक है तो आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि काली लिनक्स क्या है काली लिनक्स को up मतलब सारे हैकर्स और जितने भी वीडियोस में आपको रिकमेंड काली लिनक्स ही क्यों किया जाता है क्योंकि इसमें पहले से इंस्टॉल कर दिए जाते हैं प्री इंस्टॉल टूल्स जो आपके है, हैकिंग में हेल्प करते हैं लगभग सारे टूल्स इंस्टॉल मिल जाते हैं तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है ज्यादा ठीक है तो आई थिंक आपको यहाँ पे यहाँ तक पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे काली नक्स क्यों यूज़ किया जाता है काली नक्स के बारे में ही लोग क्यों बताते हैं ये सारी बातें ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है तो मैं उस पर और डीपली भी चर्चा कर दूंगा ठीक है तो और हाँ यह गाइज मेरा अगर वन थाउजेंड सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो मैं एक जूम पे मीटिंग रखूंगा इसमें सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ठीक है और बेल आइकन भी दबाओ तो आज के लिए गाइज़ इतना ही और अगर आपने रिकमेंड किया तो मैं लिनक्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बेसिक्स बताऊंगा लिनक्स क्या है ठीक है तो आज के लिए इतना ही सी यू द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो गाई टेक केयर एंड बब बाय